भाई साहब के नाम जी आज यहाँ मौजूद है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, कन्वीनर एमपीएम पाकिस्तान, सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल भाई, नसरीन जलील बाजी, डिप्टी कन्वीनियर्स और राबता कमेटी के अराकीन, सीओसी के अराकीन, औरंगी टाउन के जिम्मेदार तहरीकी साथियों, औरंगी टाउन से ताल्लुक रखने वाली मेरी बहनों और बेटियों, मेरे भाइयों और मेरे बेटों, आज का औरंगी टाउन का ये जलसा, सबसे पहले तो मैं आप सबको, मीडिया के दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम कहूं। अस्सलाम वालेकुम। आपका खैर मकदम करूं और औरंगी टाउन के एमपीएम के हामियों, कारकुनों और यहां रचने और बसने वाले नजरियाती तहरीकी साथियों और आवाम को एक कामयाब तरीन जलसा मुनक्कद करने पर दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करूं। मुबारक मुबारक मुबारक। ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ये औरंगी टाउन है। हर सेल फोन और मोबाइल के साथ लाजमी तौर पर एक पावर बैंक जुड़ा होता है। पावर बैंक ना हो तो सेल फोन नहीं चल सकता। हर सेल फोन के साथ एक पावर बैंक का होना लाजमी है। इसी तरह पाकिस्तान का फाइनेंशियल, माची और माली पावर बैंक कराची है। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। इसी तरह कराची का भी एक पावर बैंक है जिसको दबाने और छुपाने और दीवार से लगाने की कोशिश की गई और कराची का सिंध के शहरों का पावर बैंक एमक्यूएम पाकिस्तान है। अब जहन में यह सवाल आया कि पाकिस्तान का पावर बैंक कराची, कराची का पावर बैंक एमक्यूएम पाकिस्तान, तो भाई एमक्यूएम पाकिस्तान का पावर बैंक कहां है? एमक्यूएम पाकिस्तान का पावर बैंक औरंगी टाउन और औरंगी टाउन में बसने वाले 30 लाख से ज्यादा आवाम। अगर ये तुम्हारी आबादी सही गिन ली जाए, ये सिर्फ औरंगी टाउन का जलसा है, ये सिर्फ मेरे औरंगी टाउन के लोग आज इस जलसे में आए हैं। कस्बा अलीगढ़ के लोगों की तादाद भी शायद खाल खाल हो, कुछ लोग हो जो आए हो। कस्बा अलीगढ़ के
लोग भी नहीं है, ये खालिसतन औरंगी टाउन का। और मजे की बात ये कि मलीर से हमने आगाज किया ये इंतखाबी मुहिम है, और अभी 27 टाउन बाकी है, ये दूसरा बड़ा जलसा है, बल्कि सबसे बड़ा जलसा। मुझे यकीन है कि कोई टाउन औरंगी टाउन के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकेगा। आपने एक टेम्पो सेट किया है, ये तय कर दिया है, इलेक्शन के रिजल्ट का ऐलान कर दिया है कि इंतखाबात वाले रोज और इंतखाबी मुहिम में आसमान नजर नहीं आएगा, आसमान पर सिर्फ पतंगे ही पतंगे होंगी इंशाअल्लाह ताला। अरे भाई, आज पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल क्यों है और उसका हल क्या है? बुनियादी मसाइल इसलिए है कि यहां नजरियात की सियासत खत्म हो गई है, मराहत और मफादात की सियासत का दौर दौरा है। जरूरत इस बात की है कि नजरियाती सियासत का आगाज किया जाए, और पाकिस्तान में अगर कोई वाहिद जमात है अगर जो एक तहरीक भी है जिसका नजरिया भी है, तो वो खुदा की कसम पाकिस्तान बनाने वालों की मौजूदा नस्ल और उनकी तहरीक एंटी पाकिस्तान। जो नजरियाती जमात है मिडिल क्लास की, और फिर औरंगी की बात हो तो भाई, बाकी लोगों ने तो शायद एक मर्तबा हिजरत की। यहां जो बहनें बेटियां, जो भाई और बेटे बैठे हैं, उनके बड़ों ने दो दो हिजरतें की हैं, एक ठो कि दो ठो मेरे भाई, दो हिजरतें की हैं। ये औरंगी टाउन है जहां लोगों ने, और नजरियाती सियासत क्या है, वडेराना, जागीरदाराना, सरमायादाराना और मौरूसी सियासत का जब तक खात्मा नहीं होगा, जितनी पार्टियां बना ले पाकिस्तान में, जितनी जमातें बना ले, पहले एक बड़ी जमात थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर उसके बाद दूसरी बड़ी जमात पीएमएलएन, फिर तीसरी बड़ी जमात आ गई, बना दी गई, जबरदस्ती बिठा दी गई पीटीआई, तीन बड़ी जमातें। लेकिन इन तीनों जमातों में जो कदरें मुश्तरक थी, सरमायादार, जागीरदार और उनके साथ साथ चंद सौ खानदानों से ताल्लुक रखने वाला हुक्मरान तबका, जो 75 सालों से पाकिस्तान पर बिना शिरकत खैरे हुकूमत कर रहा है। इसीलिए जब कराची से ऑपोजिशन की मजबूत आवाज उठती है, जब भी उठी है, उसे दबा दिया जाता है, उसे तकसीम कर दिया जाता है, उसे दीवार से लगा दिया जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने आज जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साथी, और नम हो रही है, आबियारी कर रहे हैं। 11 जनवरी को मुत्तहदा के तमाम बिखरे हुए लोग, खालिद भाई, मुस्तफा कमाल भाई और फारूक भाई और बाकी सब साथी बाहर एक दूसरे के साथ जुड़ गए, और उसके बाद कामयाबियों का सफर शुरू हुआ। मायूसियां खत्म हुई, खामोशी खत्म हुई, शोर बरपा हुआ, और मर्दम शुमारी में हमने 70 लाख की आबादी को बासयाब करा। उसके नतीजे में एक कौमी असेंबली की सीट मांग गई। खुदा की कसम, ये तो अभी आगाज है, इब्तदाए इश्क है। रोता है क्या? अरे उन वडेरों जागीरदारों का 15 साल की बदतरीन करप्ट तरीन हुक्मरानी का ऑडिट होगा, और इंशाल्लाह सिर्फ कराची, हैदराबाद,
चक्कर में नहीं, इंशाल्लाह लाड़काना और नवाबशाह में भी इंशाल्लाह पतंग ही पतंग आसमानों पे बुलंद होगी इंशाल्लाह ताला। लाड़काना और नवाबशाह में भी ये इंकलाब आएगा। और ये मसाइल क्यों है? इसीलिए कि नजरियाती सियासत नहीं हो रही, मराहत और मफादात की सियासत हो रही है। अब मैं 15 साल का ऑडिट करना है, लेकिन उससे पहले ये मजलूमों की असेंबली और ऐवान है। इन सारे मजलूमों की तरफ से, सारे हक परस्तों की तरफ से पाकिस्तान के 98% मजलूम महरूम महकूम अवाम की तरफ से अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए मुकम्मल इजारे यकजहती का पैगाम। जो ज़ायनिज्म है, जो सहूनियत है, उसकी सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत। और इंशाअल्लाह ताला जब ये 3-4 जलसे हो जाए, ये ट्रेलर है, पूरी फिल्म इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक बड़े एहतजाज, बड़े एहतजाज और बड़े धरने की सूरत में गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग, पानी की कमी और बार बार 15 सालों से वाटर बोर्ड पीपल्स पार्टी के पास है, एमक्यूएम के पास नहीं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा उठाने का काम, इख्तियार, वसाइल पीपल्स पार्टी के पास है। 4,000 अरब रुपए का टैक्स हम दे और हमें 40 अरब की खैरात मिले 1%, और सूबे से 20 अरब, ये 1.5% की खैरात। मेरे ख्याल में अभी फैसला करना होगा, और आज औरंगी के जलसे में ये फैसला करना होगा कि भाई सर उठा के चलना है या सर झुका के चलना है। बताएं, सर उठा के चलना है या सर झुका के चलना है? सर उठा के जीना है या सर झुका के जीना है? बताएं भाई, बताएं। सर उठा के चलना है, सर उठा के जीना है। तो फिर ये फैसला करना है कि ये जो कराची हमसे छीना गया बतदरीज, कभी कचरा उठाने का इख्तियार, पानी निकासी, आर्टिकल 140 की खिलाफ वर्जी, अदालत ने कहा फिर भी इख्तियार नहीं मिला, वसाइल नहीं मिले, 15 सालों में एक कतरा पानी इजाफी हमें नहीं दिया गया। बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन सबसे ज्यादा मुतासर इलाका है, मुझे मालूम है, मेरे साथियों को मालूम है कि सबसे ज्यादा मुतासर इलाका औरंगी टाउन और बल्दिया टाउन का है। हमने नसरी बाजी ने कहा मास ट्रांजिट, अरे हमने तो मास ट्रांजिट के साथ K3 जब मुस्तफा कमाल भाई ने मुकम्मल किया, K2 मैंने मुकम्मल किया, 10 करोड़ गैलन पानी मेरी मेयरशिप और बल्दियाती वजारत में आया। मुस्तफा भाई के जमाने में 10 करोड़ गैलन इजाफी पानी आया, उसके बाद कहना और वादे इस तरह किए गए। ये लाल लाल रंग की बसें जो वीरान पड़ी है, जो बसों का कब्रस्तान है, ये इलेक्ट्रिक बसों का, 2 बसें सिर्फ चल रही है ऑरेंज लाइन में, बाकी सब डंपिंग यार्ड कब्रस्तान में पड़ी है। मैं मजम्मत करता हूं और वादा पीपल्स पार्टी का 4 मरतबा K4 का इनॉग्रेशन संगीत ने याद रखा। पानी आने की बात करते हो, पानी आने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। हमने 4 दिन से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। यह हाल है, मैं भी आया था कॉर्नर मीटिंग में अली नगर में, हमने खानसादा भाई के जमाने में 1 अरब रुपए की डेडिकेटेड खास लाइन का PC1 मंजूर कराया, जो हम से औरंगी टाउन पे डायरेक्ट लाइन है, ताकि
आपको आपके कोटे के मुताबिक पानी मिल सके, और जो दरियाए सिंध का निजाम है उससे भी जोड़ा आपको ताकि आपको पानी मिले। लेकिन रास्ते में इतने पानी लेने वाले, चाहे फैक्ट्रियां हो, चाहे नई कंस्ट्रक्शन इमारतें, नई तामीरात हो, आपका पानी और नया पानी आया नहीं 15 सालों से। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, शोर खत्म हो गया, बोल खामोशी खत्म हो गई, शोर आ गया। उनका सिर्फ वक्त आया था, हमारा दौर आ गया। इंशाल्लाह आपको चंद सालों में केफोर्ड का पानी भी मिलेगा इंशाल्लाह। जहां मुस्तफा भाई के जमाने में दरियाए सिंध के पानी को भी आप तक पहुंचाया गया, और जब मैं मेयर था तो सारे अंडरग्राउंड टैंक औरंगी टाउन और कस्बा के वो हमारे जमाने में। अगर मेरी बहनों बेटियों भाइयों अगर कोई काम हुआ है औरंगी में, तो खुदा की कसम वो सिर्फ और सिर्फ एमकेएम पाकिस्तान के जमाने में हुआ है। और अमीन भाई सिर्फ गुलशन जिया, गुलशन बिहार, कस्बा कॉलोनी, एल ब्लॉक, यहां तक ही ये बसों को नहीं लाना, बल्कि आगे बोर्ड ऑफिस से आगे शेर शाह और साइट एरिया तक ले जाना है, ताकि इन बसों का कुछ फायदा हो और लोगों को सही ट्रांसपोर्ट मिले, या फिर ग्रीन लाइन से मिलाना है इसे, तब जाके ऑरेंज बसों का फायदा होगा। और यार ये बसे तो लॉलीपॉप है, इंशाल्लाह सर्कुलर ट्रेन का निजाम बहुत जल्द कराची में एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से डालेंगे इंशाल्लाह। और पानी का मसला अलग लाइन और K4 का मंसूबा, और जो मास ट्रांजिट है उसमें सर्कुलर ट्रेन इंशाल्लाह। और उसके बाद अब एक बात और कुल्लू में आखिरी, मैं फ्लू की हालत में इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, मुझे 2 दिन से बुखार है, लेकिन चूंकि औरंगी टाउन में जलसा था इसलिए मैंने कहा कि यहां आना और बात करना जरूरी है। मैं अब औरंगी टाउन में अमीन भाई सिर्फ वर्चुअल यूनिवर्सिटी नहीं, इंशाल्लाह ताला एमकेएम पाकिस्तान यहां एक रियल जेन्युइन फिजिकल और प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी बनाएगी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। फिर स्कूल अस्पताल की हालत बेहतर करना है, नौजवानों को आईटी में आगे ले जाना है, उन्हें हुनर सिखाना है, और उसके लिए जहां एमकेएम के गवर्नर अवामी गवर्नर कामरान कसूरी भाई ने फलाही काम किए, इफ्तार कराया, सब कुछ किया, आपका गवर्नर, एमकेएम का गवर्नर, अवामी गवर्नर, गवर्नर हाउस के दरवाजे खोले, वही 5 लाख लोगों का टेस्ट लेके नौजवानों का 50,000 लोगों को एडवांस आईटी कोर्स की तरबियत देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स और इसी तरह की और ट्रेनिंग के लिए बहुत जल्द उस कोर्स का सिलसिला भी शुरू होगा। 50,000 बच्चे 15 लाख से 20 लाख बाहर कमाएंगे, और अगर पाकिस्तान में काम करेंगे तो 5 लाख रुपए महीना कमाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये हमारा ड्रीम है। और आखिर में कि ये आईएमएफ से छुटकारा अगर हासिल करना है तो कराची को मौका दे, पाकिस्तान में तजुर्बे ना करें, वडेरों जागीरदारों, कभी एक जागीरदार कभी दूसरा वडेरा, मौरूसी सियासत उसी तरह चल रही है। अब अगर पाकिस्तान को बचाना और बनाना है तो कराची को बचाना, अपनाना और बनाना होगा। ओल्ड कराची, सेफ कराची, मेक कराची, और औरंगी टाउन का उसमें एक बड़ा किरदार होगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह
अब मिडिल क्लास के हाथ में पाकिस्तान होना चाहिए, पढ़े लिखे नौजवानों के हाथ में पाकिस्तान होना चाहिए। मेरी बेटियां और मेरे बेटे सूबाई और कौमी असेंबली में कामयाब होकर हमारी नुमाइंदगी उन्हें करना चाहिए इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि पार्टी के तंजीम में भी इंशाअल्लाह ज्यादा से ज्यादा नौजवानों बेटे बेटियों को शामिल किया जाएगा और इंतखाबात में भी इंशाअल्लाह ताला हम नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा इंतखाबात में। खालिद मकबूल भाई से मेरी गुजारिश है, मुस्तफा भाई से मेरी गुजारिश है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर औरंगजेब तो हमारा पावर बैंक है। और नसरीन माजी ने कहा कि डिफेंस से औरंगजेब आते हुए 1000 रुपए लगे रिक्शा के। अबे भाई डिफेंस वाला कब औरंगजेब में आता है, गिरफ्तार वाला कब आता है, ये तो औरंगजेब वालों को ही जाना पड़ता है, उन्हें ही जाना पड़ता है, ये तो उनके पैसे लगते हैं। तो बात सारी ये है कि अब औरंगी टाउन हमारी तरजीहात में होना चाहिए। औरंगी टाउन के मजलूमों ने बहुत सहा, एमकेएम ने उनका साथ दिया, उन्होंने एमकेएम का साथ दिया, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूं हमारे मंसूर में इंतखाबी मुहिम में और इंतखाबी मुहिम के बाद भी इंशाअल्लाह ताला औरंगी टाउन हमारा सबसे तरजीह इलाका होगा और तामीर और तरक्की का गहरा बनाएंगे, तालीम का गहरा बनाएंगे, बेहतर अस्पताल बेहतर स्कूल बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आखिरी शेर पढ़ूंगा और आपसे इजाजत चाहूंगा, बस कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। अरे तुम्हारा सिर्फ वक्त से आया है, हमारा दौर आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, एंड टू एंड फाइंड द वर्ल्ड।